जो जो वहाँ पे योग्य, हम ये नहीं कह रहे इसको दो उसको दो, जो पंजाबी योग्य है, जो बीजेपी में है या कांग्रेस में है, जो योग्य का पार्टी का काम कर रहे हैं उनको वो टिकटें दें, लेकिन पूरा जो कोटा है वो 18% हमारा आ जाना चाहिए, बाकी समाजों की तरफ जितनी जो चल रहे हैं। हमें 18 सीटें चाहिए, 9% चाहिए हमें, 18 सीटें हमारे पंजाबियों की। किन बड़े नेताओं से मिला? अभी चालू कर रहे हैं ना सर, ये आज से साढ़े आके तरह का अभियान आज शुरू कर रहे हैं, आप लोगों का आज से आपके माध्यम शुरू हो रहे हैं, और आज से मिलना शुरू करेंगे, सीपी जोशी साहब से मिलेंगे, फिर आपके जो डोटासरा साहब से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली भी जाएंगे, अभी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, राजस्थान के अभी आपके मेघवाल से आप हैं, पंचौरिया जी इनसे मिलेंगे, जो जो यहाँ पे बीजेपी वसुंधरा जी से भी ऑफकोर्स मिलेंगे, राजेंद्र राठौड़ से मिलेंगे, बीजेपी के कांग्रेस के अशोक गहलोत साहब से मिलेंगे, जो जो भी मुखिया हैं जो टिकट वितरण में अपनी वो भागीदारी उनके हम मिलेंगे। सीटें जो है मतलब मुख्य सीटें हमने आपको 10 जिलों के नाम दिए हैं, जिसमें जयपुर, श्री गंगानगर, अलवर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, सूरतगढ़, करणपुर, चित्तौड़गढ़, ये लगभग ये जिले हैं, इन जिलों के अंदर अलग अलग सीटें हैं, वो खुलासा हम आपको अगली मीटिंग में कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे अलवर में 3-4 वो जो परसेंट के हिसाब से अलग अलग मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें तो पंजाबी समाज कितनी सीटों को प्रतिनिधित्व करता हुआ आया है, अगर MLA की बात? अभी कोई अभी ज़्यादा मोटा मोटा अगर बात करो तो अभी तो सूरतगढ़ और गंगानगर दो जगह चला है, एक बार कभी कोटा से भी सालों पहले हुआ था, या बीकानेर से कांता कथुरिया जी हुई थी, वो भी बहुत साल पहले की बात है, वो बाद में कोलायत अलग कर दिया तो वो हट गया। लेकिन इनको तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है बोर्डों का कुछ बना के, मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल प्योर 18 सीटों की बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो युवा लोग हैं वो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं, सरकार के उसमें जुड़ाव लाना चाहते हैं, 18 लोगों को हमारे को टिकट दीजिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जो बाकी आप बात कर रहे हो ना, नहीं सिंधी अलग है सर, सिंधी नहीं है इसमें, ना सिंधी को शामिल नहीं किया, सिर्फ पंजाबी हैं, राजस्थान पंजाबी समाज को, पहले यही कन्फ्यूजन हो रहा है सर, मैं आप माफी चाह रहा हूँ, पहले ज़्यादातर लोग ये सोच हैं कि यार एक कोटा ले लिया उन्होंने पुरुषार्थी समाज, तो पुरुषार्थी समाज में सिंधी भी मान लिए, पंजाबी मान लिए, राजपूती मान लिए, लेकिन मैं उससे अलग जा रहा हूँ, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उस चीज़ को फोकस करना है हमारा, कि पंजाबी और अरोड़ा खत्री जो हैं उनको उन्होंने नहीं दिया सर, वो जो 18 सीटें हमें चाहिए पंजाबी और अरोड़ा खत्री के लिए चाहिए, जो कि उसकी जनसंख्या हमारी पूरी बन रही है, ये बाकियों की तो ज़्यादा होगी, पुरुषार्थी की अगर आप जाओगे तो 12-13% हो जाएगी, वो बात ही अलग हो जाएगी, मैं उधर नहीं जा रहा, जिसमें फिर आप सिंधी पकड़ लोगे, आप राजपूत पकड़ लोगे, सिख पकड़ लोगे, वो एक बातें अलग है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ पंजाबी अरोड़ा खत्री पे, ये प्योर पंजाबी अरोड़ा खत्री की हमें 18 टिकटें चाहिए, ये निवेदन है, आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए, साथ ही हम लोगों का साथ चाहिए हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए, और उसके बाद जैसे हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ये बात रिपीटेडली अगले एक महीने तक बोलते रहेंगे, तो हमारी पूरी विश्वास है कि हमारी बात सुनी जाएगी और हमारा हक मिलेगा, और साढ़ा हक एथेराक का हमारा जो अभियान आज से शुरू कर रहे हैं इसका कहीं ना कहीं लक्ष्य हासिल होगा। थैंक यू।